ये असली हैप्पी बर्थडे। अभी जा रहा हूँ मैं, एक फौजी भाई है जो छुट्टी पे आया हुआ है, इंडियन आर्मी में है, तो उनका बर्थडे है तो उन्होंने बुलाया मुझे बर्थडे में। लेकिन मैं उनको एक उनके साथ एक प्रैंक करूँगा, उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊँगा, केक ले जाऊँगा, और ये होगा उसका केक। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, 2MB जाऊँगा, वहाँ पर केक बनवाऊँगा। तो देखते हैं गाइस वो कौन है वो भाई, जानने के लिए वीडियो में बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, 2MB इसको रख लेता हूँ बैग में, और मेरा ग्लव्स, सर्दी है, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे बाइक में जाना पड़ेगा, तो ठंडा है, ये मेरा स्कार्फ, पूरी तैयारी ठंडी। तो मैं पहुँच गया हूँ 2MB, ये रहा, पता करते हैं ये लोग बनाएगा कि नहीं प्रैंक केक, लेट्स सी। तो ये रहा 2MB, तो मेरा प्लान हो गया है, इन्होंने बोला है बना देगा, तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है भाई, आएगा हम थोड़ी देर वहाँ जाके आता हूँ। ना इस ये रेडी हो गया केक, नाम भी लिख लीजिए ना, हैप्पी बर्थडे करण सो। हाँ, केक रेडी है, डमी केक, प्रैंक वाला केक। तो फाइनली मैं पहुंच गया, तो ये है वो भाई जिनका आज बर्थडे है, तो करेंगे आज मस्ती इनके साथ। कहाँ इमोशनल सेंटी हो रहा है क्या, इमोशनल हो रहा है क्या भाई, बहुत बड़ा कैंडल लाया, तो बहुत बड़ा कैंडल लाया है वो, लिखा वाला कैंडल लगा था यार हमको, मेरा मजा। चला चला पहले चला, ये जलेगा तो बुझेगा भी नहीं, कंटिन्यू जलते रहते, हाँ वही नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछते। चलो काटो काटो भाई, उल्टा से है क्या, इससे उल्टा से तो खींचेगा। कैंडल बुझाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्यों नहीं काट रहे, ये बहुत टाइट है, तो धार काटो ना, जोर से काट रहा, ताकत नहीं है क्या तुम, दारू भी है ये अंदर में कुछ है, ये नहीं काट, दारू भी है ये, तुम नशा हो गए, तुम काट नहीं रहे, इसके अंदर कुछ तो है, चाकू लेके आओ ना, जाओ। नहीं काट रहा है, कैसे नहीं काट रहा है, अरे नहीं काट रहा है, आप ट्राई करके देखो, दारू पी, दारू पी, तुम दारू नशा, दारू नहीं किया, लो हैप्पी बर्थडे तुम ही हो गए, बुढ़ी को की तुम काटो, बहुत टाइट है ना, काटो जोर से, ये कौन सा केक है, टाइट है, अरे इतना टाइट कैसे नहीं काट पा रहा है तुम, केक भी नहीं काट पा रहा था तुम, नहीं देखो ना, चंगे तुम कौन सा केक है, कौन सा बेकर से लाया था, इसका ना प्लास्टिक का है कुछ है, केक है वो, केक है वो, प्लास्टिक है, देखो ना प्लास्टिक है, हट, कैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, कहाँ प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, किसे प्लास्टिक होगा, प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर, ये बेकरी बंद करो यार, दिमाग खराब, मेरा चाकू भी तोड़ दिया, लगा लगा, हैप्पी बर्थडे इसका, आग में लगा दिया, इसके अंदर कुछ है यार, प्रैंक किया तेरे साथ ना, इसके डब्बा है, डब्बा के अंदर केक है, डब्बा के अंदर केक है, 43 इयर्स होने से ऐसे होता है, 43 दिमाग खराब मत कर, 43 अंदर केक है, अंदर केक है पूरा, इतना तो बुढ़ा नहीं हुआ यार, अंदर केक है, अभी तो मैं जवान हूँ। तो कैसा लगा अगर सरप्राइज केक, आपका सरप्राइज केक तो बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही, ये असली हैप्पी बर्थडे, नहीं तो क्या हो गया, मैं बहुत यादगार हैप्पी बर्थडे थे तेरा, जिंदगी में पहली बार ऐसा बर्थडे मनाया होगा करण सर, और क्या ऐसा बर्थडे कभी नहीं मनाया, लेकिन हम नहीं हुआ चाहिए था उस टाइम उस लेवल का, उस लेवल का मेरा बर्थडे वैसे हुआ नहीं, मगर केक तो उस लेवल का ही लगाएगा,
हम ही सोच रहा था बार बार ना नशा तो हम तो पिए ही नहीं तो कैसे रात तेरा बर्थडे बताओ एक एक गोल्ड फटर पिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम ये दो दो पीते हैं तो बता तेरा ये बर्थडे कैसा रहा वैसे आज का बर्थडे ना मतलब बाकी बर्थडे में बहुत ज्यादा लड़का लड़की होता डांस होता है ना तो उससे भी ज्यादा मतलब मजेदार और सबसे अच्छा मतलब और दिल को छू लेने वाला और मतलब प्रैंक तो हुआ ही है वो तो अलग बात है मतलब बहुत मजा आया मतलब हमको अपनापन फील हुआ क्योंकि मेरा खास दोस्त आया था धीरज शर्मा जिसको हम पर्सनली उसका हम अलग नाम से बुलाते वो तो हम नहीं बताएगा क्योंकि कैमरा सामने है और एडम भैया भी हमको इस तरह से शरारत करेगा तो सोचा थे इतना बुढ़ा हो गया है उम्र पार हो चुका है लेकिन इसका जो शरारती का जो अंदाज है ना वो अभी भी वही मतलब बच्चों वाली है तो मजा आया ना एंजॉय किया ना एंजॉय तो किया ऐसे एंजॉय करना लाइफ में चक्कर में ना मेरा नाक दोला ब्लॉक हो गया था मेरा मुंह का क्या घुस चुका था पता है मूर्ति बना देते मेरे को वो तो तेरा लंगोटी दोस्त का काम है यहां निकलेगा क्या अभी तो यहां लटका गिरा हुआ है लेकिन जो एंजॉय तो किया है ना चलो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू